गाइस, तो क्या हाल चाल यूडी फैमिली। मैं अभी फैक्ट्री में हूँ और यहाँ पे एक आपको प्रोफेशनल तरीके से थ्रेडिंग करना, गडिंग करना, वन ऑफ द सेम थिंग मैं दिखाऊंगा। तो चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब करो, हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन और करते हैं यहाँ से वीडियो स्टार्ट। वीडियो की फ्रेश स्टार्ट करते हैं। अभी आप ये देख रहे हैं बास का 5 स्टार जिसकी MRP 5000 है और कितनी क्लीन विलो है। ये देखो क्रेन्स आपको दिख रही है 1, 2, 3, 4, 5 एंड द लास्ट मैं काउंट नहीं करूँगा क्योंकि हाफ ग्रेन है तो 5 ग्रेन्स ही मैं कंसिडर करूँगा। अभी इस पर गटिंग करेंगे बॉटम एंड पे और ये बिल्कुल यहाँ पे ध्यान से देखना। और एक बंदे ने कमेंट करा था कि कैसे गटिंग करते हैं। देखो अपना अपना स्टाइल है, अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, जैसे आपको प्रैक्टिकल इनहांस होता है, आपका सालों का अनुभव बढ़ता है, वैसे वैसे आप गटिंग होते हैं। कहीं यहाँ पे नॉट्स 12 के राउंड पे करते हैं, कुछ 15 के नॉट्स पे करते हैं, अलग अलग तरीके से नॉट्स होते हैं। मेन पर्पस कटिंग का होता है कि ब्रेकेज कम करनी बॉटम एंड से। आप ये देखेंगे कोहली के बैट पे भी, एल राहुल के बैट पे भी देखेंगे और बहुत दिग्गज प्लेयर हैं उनके बैट में भी आप देखेंगे कि कटिंग आजकल दिख रही है और वो करवा रहे हैं कि उतनी ब्रेकेज कम हो बॉटम एंड से। तो मामा जी से भी पूछ लें, मामा जी बिल्कुल सही कह रहे हो कि गलत है थोड़ा मेरा कहना? नहीं, सही बात है। और हम क्लब क्रिकेट खेलते हैं, थोड़ा सा अनप्रोफेशनल तरीके से खेलते हैं, तो उस टाइम भी ये बहुत ज़रूरी होती है कटिंग कराना। आप ये देखें कितने राउंड्स हो गए बातों में। अब ये पूरा आप देखें बारीक से, आप ये देखें यहाँ पे ये बेंड हो गई है, यानी कि पूरा चढ़ गया है। और ये देखो बास का 5000 रुपये में एंट्री लेवल का बैट है और कितना क्लीन विलो है। लोग अब इसमें भी ग्रेन्स पूछते हैं, भाई साहब हमें 10 ग्रेन दे दो। भाई आप गेम पे फोकस करो, मैंने तो 60000 रुपये वाले बैट में 5 ग्रेन्स देखे हैं। ग्रेडिंग इट डजेंट मीन्स कि ग्रेन्स ज़्यादा होनी चाहिए कम होनी चाहिए, पंच भी बैटर मैटर करता है, उसी के हिसाब से आप बैट ले सकते हैं। इसकी जो खासियत है ये एंट्री लेवल बैट है, 5000 रुपये में आप किसी भी मोमेंट पे इसको यूज़ कर सकते हैं, नेट प्रैक्टिस में यूज़ कर सकते हैं, क्लब्स के अंदर आप खेल रहे हैं तब यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अनटिल अनलेस आप प्रोफेशनल क्रिकेटर नहीं हैं, क्लास का क्रिकेट नहीं खेल रहे, तो ये बैट मैं रेकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि उसके लिए ग्रेडिंग का बैट होना ज़रूरी है। अब ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में हाफ नाइफ दिखाया था, ये हाफ नाइफ बेसिकली प्लक इन के लिए होता है कि प्लक इन कैसे करते हैं। अब ये देखो बिल्कुल हमने डोरी है जो हमारी सिलिकॉन थ्रेड है ये हमने कर लिया और यहाँ पे देखो कटर के यूज़ से ये थ्रेड को निकाल दिया और ये कितनी बारीकी से स्मार्ट वर्क से आप ये देखें आपके सामने है। अगर आप ये घर में देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरा एडवाइस है बिना प्रैक्टिस के मत करें क्योंकि ये नेचुरल चीज़ है वुड और इसको प्रोफेशनल तरीके से हम करते हैं। आप हमसे चाहते हैं करवाना गटिंग, नॉकिंग, ऑयलिंग, बैट रिफर्बिशमेंट, कुछ भी चाहते हैं आप मेरे को दिए गए एड्रेस पे भेज सकते हैं। अभी मैं अपनी फैक्ट्री में बैठा हूँ, यहाँ पे देखो बहुत सारे बैट्स, जैसे ये आया MRF का ठीक होने आया, और भी बैट्स आए हुए हैं। अभी ये देखो कुकर वगैरह का भी आया हो यहाँ पर और एक ये वाइट बैट भी दिखाना मामा, ये देखो ये अभी हमने ग्रेडिंग का बैट तैयार करा है और आप ये देखो ग्रेड 2 के अंदर बैट है और अभी बिल्कुल सिंगापुरी केन लगाया तो इसको अभी बस तैयार करेंगे काम के बाद। ये देखो हर एक चीज़ का ध्यान दिया जाता है, हर एक चीज़ का। ये YouTube पॉलिसी के कारण हम एडवाइस करते हैं कि ये चीज़ ग्लू है, ये आप सर्च मत करें गूगल पे, ये कुछ केमिकल्स होते हैं जो मार्केट में तो इजीली अवेलेबल होते हैं लेकिन
वी कांट रेकमेंड टू एनी वन टू यूज विदाउट नॉलेज और यू कैन से विदाउट एनी एक्सपीरियंस. अब हमें पता है कि ये कौन से ग्लू मिक्स करने हैं, कैसे लगाना है, आप ये देखें बहुत ही तरीके से एडवाइस को हम पेस्ट कर रहे हैं ओवर द सिलिकॉन थ्रेड कि ये थोड़ा सा एयर से एक्सपोज होके अपने आप ये सूख जाएगा. आप ये देखें और कम से कम एक दिन लेता है प्रॉपर सेट होने में और मिनिमम 8 hours. इट डिपेंड ऑन दी वेदर एंड दी सिचुएशन. फॉर एग्जांपल अभी बाहर रेनी सीजन है तो इट टेक मोर देन टाइम एज यूजल. तो ये देखो टेस्टिंग इज डन ऑलमोस्ट. तो ये हमने एक टॉर्न पीस लिया है यानी कि पुराना कपड़ा लिया है और इसको क्लीन करेंगे, एक्स्ट्रा ग्लू को निकालेंगे वुड से, बिल्कुल क्लीन परफेक्शन देंगे काम का. ये देखो स्टिकर से रिमूव हो रहा है जहाँ जहाँ ग्लू लगी हुई है. बहुत बारीकी का काम है दोस्तों और इसी चीज़ के हम चार्ज करते हैं क्योंकि हम सर्विसेज ए क्लास दे रहे हैं. हर एक चीज़ का छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान दिया जाता है. ऐसे नहीं है कि काम को सिरे लगाना, काम को परफेक्ट तरीके से हमने करना होता है एज ए प्रोफेशनल. तो मिलता हूँ बहुत जल्द अगली वीडियो के साथ. टिल देन बाय बाय.